आज मैं करूंगा Asus Zenfone 8 Flip का रिव्यू। और अगर आपको Asus Zenfone 8 का रिव्यू चाहिए तो वो आपको वीडियो के एंड में सजेशन में मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो आप जाके वॉच कर सकते हो। बट उससे पहले ये वीडियो को पूरे एंड तक देखना। सो विदाउट टाइम वेस्टिंग इसके लुक देखते हैं। बाय द वे, ये लुक एंड फील में तो बहुत प्रीमियम है, और जो इसकी साइज़ है वो भी Zenfone 8 से बड़ी है, और जो फ्लिपिंग मैकेनिज्म है सच बोलूँ तो बहुत ही रेयर है। लुक्स तो अच्छे खासे है ही, बट डिस्प्ले भी इस मामले में कम नहीं है। डिस्प्ले भी आपको 6.67 इंच का मिल जाता है सुपर एमोलेड, वो भी 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ। बट एक चीज़ मुझे समझ नहीं आई, जो Zenfone 8 है उसमें आपको डिस्प्ले 120 हर्ट्ज का देखने को मिल जाता है, तो ये मुझे थोड़ा सा डाउनग्रेड लगा। तो फिर अभी इसका ब्राइटनेस की बात करते हैं। जो आपको पीक लेवल का ब्राइटनेस मिल जाता है वो 1000 निट्स का है, जो अगेन डाउनग्रेड है Zenfone 8 से। और एक चीज़, HDR 10 प्लस का सपोर्ट भी आपको देखने को मिल जाता है। फिर जो प्रोटेक्शन है वो कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 6 का है। एंड नाउ वेरियंट्स, तो ये फ़ोन कौन कौन से वेरियंट्स में अवेलेबल है। 8GB 128 एंड 8GB 256, ये दो वेरिएंट आपको देखने को मिल जाएंगे। प्लस इसमें आपको डेडिकेटेड स्लॉट मिल जाता है जिससे आप एक्सपेंडेबल मेमोरी यूज़ कर सकते हो, जो कि एक अपग्रेड है Zenfone 8 से। और जो स्टोरेज टाइप है आपको UFS 3.1 का मिल जाता है। फिर नेक्स्ट कैमरा, कैमरा आपको ट्रिपल कैमरा मिल जाता है 64, 8 और 12 मेगापिक्सल का। और आप सभी को तो पता ही होगा इसमें एक ही कैमरा है रेयर में, बैक साइड में, तो वही फ्लिप होके फ्रंट में भी आता है। और सच बोलूँ तो प्रैक्टिकली ये मुझे बहुत पसंद आया, क्योंकि जो बैक कैमरा में क्वालिटी रहेगी वही सेम फ्रंट कैमरा में भी क्वालिटी रहेगी, जो फीचर्स बैक कैमरा में वो सेम फीचर्स फ्रंट कैमरा में। तो इसमें जो वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट आपको देखने को मिल जाता है वो 8K 30fps का देखने को मिलता है। फिर नेक्स्ट बैटरी, बैटरी इसमें आपको 5000mAh की मिलती है, वो भी 30W का फास्ट चार्जिंग कैपेसिटी के साथ, जो कि फिर से एक अपग्रेड है। फिर नेक्स्ट परफॉर्मेंस, अभी परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं तो परफॉर्मेंस में मेन प्रोसेसर आ जाता है। तो प्रोसेसर आपको स्नैपड्रैगन का 888 देखने को मिल जाता है, जो कि 5nm के ऊपर बेस है, और जो GPU है वो एड्रेनो 660 का है, और ऑब्वियसली ये 5G सपोर्ट करता है। देन नेटवर्क एंड कनेक्टिविटी, आपको वाईफाई ड्यूअल बैंड का सपोर्ट मिल जाता है, प्लस ब्लूटूथ 5.2 का कनेक्टिविटी सपोर्ट मिलता है, प्लस NFC। एंड नाउ कनेक्टिविटी, कनेक्टिविटी में आपको USB टाइप सी का पोर्ट मिल जाता है, बट 3.5mm जैक आपको देखने को नहीं मिलता। सो बस आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना, कमेंट से मोटिवेशन मिलता है, और ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए सब्सक्राइब कर देना।